अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आल पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़। ड्रामा कफ़ारा में सितारा के ताया का रोल अदा करने वाले ये अदाकार कौन हैं, इनकी फैमिली में कौन कौन है जाने वाले हैं, इनके बारे में मुकम्मल डिटेल्स। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल आल पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़ पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो व्यूअर्स, ड्रामा कफ़ारा में सितारा के ताया का रोल अदा करने वाले ये अदाकार राशिद फारूकी हैं, जो कि पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। 3 जनवरी 1969 को कराची में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 55 ईयर्स हो चुकी है। राशिद फारूकी को जितना ऑन स्क्रीन पसंद किया जाता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एज अ सीनियर आर्टिस्ट ये काम कर चुके हैं और काम कर भी रहे हैं। इनके टॉप प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो ड्रामा खानी, ड्रामा मुश्किल, ड्रामा सरे राह, ड्रामा तेरे आने से, ड्रामा छोटी सी जिंदगी, ड्रामा दिले वीरा और ड्रामा रंगे महल भी इनके टॉप प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। बात कर लेते हैं व्यूअर्स यहाँ इनकी फैमिली के बारे में, तो ये एक नॉन आर्टिस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और व्यूअर्स ये मैरिटल स्टेटस की बात करते चलें तो ये मैरिड हैं और ये हैं इनकी अहलिया। आप देख सकते हैं इनकी अहलिया काफ़ी सादा सी हैं और काफ़ी खूबसूरत भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। जबकि इनकी बेटी शोबिस से वाबस्ता नहीं, ये हैं इनकी बेटी बख्तावर। इनकी बेटी बख्तावर खान शोबिस से वाबस्ता नहीं है और ना ही इनकी फैमिली में कोई भी शोबिस से वाबस्ता है। यूँ बात करते चलें इनकी तालीमी काबिलियत की, तो इन्होंने बीए कर रखा है कराची यूनिवर्सिटी से। और बात करते चलें इनकी फ़िज़िकल अपेयरेंस के बारे में, तो इनकी हाइट 5 फुट 7 इंच, इनका हेयर और आई कलर ब्राउन, जबकि इनकी कम्प्लेक्शन फेयर है। इनका फेवरेट कलर ब्लैक। इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान। इनकी हॉबी ट्रैवल करना, राइटिंग करना और पोइट्री करना भी है। तो व्यूअर्स, ये अदाकार जो कि ड्रामा कफ़ारा में सितारा के ताया का रोल अदा कर रही हैं, ये आपको कैसे लगते हैं और इनका कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है, इस ड्रामे में ये आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल आल पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।